जितने भी स्ट्रगल्स थे ना, जितने भी डाउन्स थे, उसमें मतलब एक चीज जो मतलब हमने नहीं की वह हाथ छोड़ना। इनके पास ऑप्शन थे कि हाथ छोड़ के जा सकती थी, ठीक है, इन्होंने उस टाइम पे भी हाथ पकड़ के रखा। जितना मतलब ये नहीं था कि पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे शुरू में, मतलब ये था कि यार डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस किया। पर कोई भी चीज़ ना बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आपने बोला और हो गई बॉलीवुड मूवीज की तरह, ठीक है, यू एक्चुअली हैव टू फाइट फॉर दोज थिंग्स। और एंड में यकीन मानो सब अच्छा हो जाता है, एंड में हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, हम दोनों ही बहुत खुश हैं जो भी डिसीजन लिया था लाइफ में। और यार जिस मतलब जो स्ट्रगल स्टार्ट किया था, आज टच वुड बाय गॉड ग्रेस हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं तो यार इनको स्टार्टिंग में बोल देता, मैंने कहा देखो यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, घर चला लोगी, एंड मतलब मैं बोलता रहा हूँ कि देखो यार ये मेरा ये मानना है यार, कहीं नहीं लिखा है कि लड़का ही सब करेगा, सबसे अच्छी बात लड़के के ये है। लड़का कोई दुनिया में ठेका लेके नहीं आता सबका, कि उसकी जिम्मेवारी है कि वो सब करे। जब लड़का लड़की एक बराबर है, लड़की अन करी है लड़का, तो मतलब ये कहाँ पे लिखा है कि घर के एक बिजली के बिल से लेके राशन से लेके हर चीज का ठेका उठाया हुआ है, मतलब लड़की भी कर सकती है, क्या दिक्कत है उस चीज में। और यार खैर मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कि मतलब हम बहुत अच्छा, मेरे मतलब इवन मेरी शादी के चॉइसेस से लेके गिफ्ट से लेके हर चीज, मतलब ही इज वेरी केयरिंग। मैं कभी किसी चीज को वैसे मतलब आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, मैं तो मतलब बहुत इन चीजों में साइलेंट रहती हूँ, मतलब मेरे को कभी बोलेंगे भी यार तू कभी कुछ एक्सप्रेस कर दिया कर, तो मेरा ऐसे होता है अच्छा ठीक है ओके हाँ, कभी इनका कभी मतलब वैसे हम ये आई लव यू वगैरह की लैंग्वेज में बिलीव नहीं करते, स्टिल कभी वंस इन अ व्हाइल ये मेरे को हंस भी देना वासना आई लव यू, तो मेरा आगे से आंसर होता है अच्छा ओके, तो ये मेरे को बोलेंगे कभी तो मुंह से फूट दिया कर कि तू आगे से इसका भी, तो मतलब हंसते खेलते। आज हमारी शादी भी हो गई है, 2 दिन बाद 1 महीना होने वाला है, हमें लगता है कि हम वही दोस्त हैं जहां से हमने आज से 2 साल पहले जर्नी शुरू की थी, मतलब कुछ फर्क नहीं है हमारी दोस्ती में आज भी, कि बर्डन है या अप एंड डाउन हर किसी के काम में चलते। मैंने हमेशा यही कहा है कि चलो आज मैं वहां पे हूँ, शायद आपको लगता है कि आप नहीं हो, क्या पता कल आप वहां पे हो और मुझे जरूरत हो तो आप मेरे साथ खड़े रहना, तो मतलब वो चीज है। और यार कभी भी ना मतलब दो पार्टनर का मतलब, पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनर का हर रिश्ते का मतलब क्या है, जहां आप अनकंडीशनली एक दूसरे को सपोर्ट करो। मतलब बहुत टफ टाइम था, ये सिर्फ कुछ किस्से हैं जो बताए गए, इस कहानी के बहुत ऐसे घाव हैं जो अंदर ही अंदर दफन है, शायद कभी खुलेंगे नहीं वो चीजें, बट यस मतलब बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ अंत भला सब भला, वो अंत ही अच्छा था, बीच में तो मुझे पता है कौन कौन से झंडे गाड़े और क्या क्या ही हुआ है, तो ठीक है सपोर्ट करो खुश रहो जिंदगी में ना, मुकाम ऐसा हासिल करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए, आपको कभी मुंह से खुद के लिए ना बोलना पड़े कि मैं हमें बस कुछ लोग आते हैं मैम आप सिंपल हो डिसेंट हो या कुछ भी है ये चीज है, वो तो हमेशा इनको बोलते हैं, तो हमेशा जिंदगी में ना मेरा यही मानना है। और आज हम यहाँ है ना, देखो 2 साल पहले तक टीआरडी था, ठीक है, टीआरडी छोड़ो ना, चलो 2 साल तक आप एक प्लेटफॉर्म पे थे, आज आप 7 स्टेट में हो, ठीक है, 2 साल तक कभी आपने क्लोथ्स का बिजनेस ही सोचा था, आज आप एस्टेब्लिश कर चुके हो, ठीक है, अभी मे बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत सारे बिजनेस की हमारी प्लानिंग है, हम स्टार्टअप्स वो स्टार्ट करेंगे, तो मतलब आज 7 है तो सब चीजें हुई ना, फिर क्या दिक्कत है और वो सुनियो। कैसा था, हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम जीरो, सो जाते जाते तो जाते जाते पहली और आखिरी बार मैंने इनसे इजहार किया था कि क्या आप अपनी जिंदगी का आने वाला हर साल, उस साल का हर महीना, उस महीने का हर वो सप्ताह, उस सप्ताह का हर वो दिन, उस दिन का हर वो घंटा, उसका हर वो पल मेरे साथ बिताना चाहोगे बिना ये बकवास मारे कि तू कोई और ऑप्शन देख ले क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसको जिंदगी में ना ये पता हो कि मेहनत कैसे करते हैं। मुझे वो नहीं है कि यार कि मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहिए, आई एम वेरी सेटिस्फाई विद माई लाइफ स्टाइल, जो भी मैं लाइफ में चाहती हूँ
मेरे पेरेंट्स ने उतना कैपेबल बनाया है मुझे कि मैं अपने घर के साथ साथ जिस घर का हिस्सा बनी हूँ वहाँ पे चीज़ों को कर सकूँ, ठीक है। लेकिन मुझे वो पार्टनर मिला जो मतलब मैं मेहनत करती हूँ ना शायद ये उससे डबल उस चीज़ में करते हैं। किसी टाइम मैं तो फिर भी रात को मेरा एक फिक्स है कि मैं इस टाइम पे सोऊंगी, पर मैं किसी टाइम मेरी सुबह भी नींद खुल रही होती है तो ये काम कर रहे होते हैं, दिन में अपना ऑफिस संभालना रात को करना। तो यस ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। और आज से 5 साल बाद मैं इनको कहती हूँ कि अरुण देखना एक इतिहास रचा जाएगा, एक वो पागलपन में एक जुनून में जो हम में है। और जो लोग मतलब हमको बोलते थे ना यार ये पागल है, ये कैसे चीजें चलाएंगे, ये कैसे करेंगे, और जिन लोगों ने मुझे कहा था तो पागल है लिटरली डीएम्स में, उससे शादी करनी है, एडजस्ट कैसे करेगी, तुझे पता है तू क्या है, मतलब उन सब लोगों को ना मुझे बहुत खामोशी से चलना है। शोर होगा एक दिन बट उस कामयाबी का, और उस दिन इनकी कामयाबी का, मेरी का नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, और डेफिनेटली मैं ये चीज चाहूंगी कि मैं तो वो मुकाम पे पहुंचू या ना पहुंचू, इनको वहां जरूर देखना है, और जितनी बार गिरेंगे मैं वहां पे हूं उतनी बार उठाने को, एक बार दो बार तीन बार चार बार 10 बार 100 बार जब तक टिल माई लास्ट ब्रेथ उठाऊंगी। और यस आई विल प्रूव इट कि नहीं, लाइफ में डेस्टिनी होती है अलॉन्ग विद योर हार्ड वर्क। सो इमोशनल नहीं होना, चिल करो अपने पार्टनर का। बस लास्ट चीज, बहुत भाषण नहीं देना, हाथ किसी का भी पकड़ना, ठीक है, एक भरोसे से, ठीक है। और वो तब पकड़ना जिस दिन आपको लगे कि आप उस इंसान का हाथ पकड़ सकते हो, क्योंकि यार एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो एक सोसाइटी के लिए नाम चलता है, लेकिन जो दो लोगों का कनेक्शन होता है ना, और जो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को कंसिस्टेंट सपोर्ट होता है ना, वो आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, जो एक पार्टनर एक दूसरे को कर सकते, एक दूसरे की आंखें पढ़ के। जिस दिन आप वो सपोर्ट कर सकते हो ना, मैं कह रही हूं कि आप लाइफ में जमीन पे गिर जाओ, आपको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट यस यू विल अचीव एवरीथिंग। हो गया, बहुत तारीफ करती मैंने आपको। आप लोग भी ऐसे अपना ध्यान रखो, प्यार मोहब्बत बनाए रखो, जो भी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, ट्रस्ट मी एंड में सब अच्छा होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वह हाथ नहीं छोड़ना है। और एक चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, एक चीज जो हमेशा याद रखनी है, मुस्कुराना नहीं, कभी भी मुस्कुराना मत भूलना।